हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रीमा। हम इसमें क्लास 8 की साइंस पढ़ रहे थे। फर्स्ट चैप्टर्स में पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो मेरे चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने एडवांटेज ऑफ मैन्योर टॉपिक कवर कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इरीगेशन। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर इज एब्जॉर्ब बाई द प्लांट रूट्स अलॉन्ग विद द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी को पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सभी के ग्रोथ और प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए पानी जो है इम्पॉर्टेंट होता है। और प्लांट्स की बॉडी में वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट्स के द्वारा, और उसके साथ साथ मिनरल और फर्टिलाइजर भी वाटर के साथ में उनकी बॉडी में सप्लाई होते हैं। प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। पौधों के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हम बीज डालते हैं उसके जर्मिनेशन के लिए, उसको ग्रो करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ड्राई कंडीशन में कभी भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी वाटर में न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं, मिले हुए होते हैं, वो प्लांट्स की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर के थ्रू ही। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। पानी जो है पौधों को बचाता है फ्रॉस्ट यानी ठंडी होती है और गर्म हवाओं से बचाता है। To maintain the moisture of the soil for healthy crops growth, field have to be watered regularly. Soil की moisture बनी रहे और हम अच्छी फसल उगा सके, इसलिए हमें क्या होता है कि regularly पानी देना पौधों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। The supply of water to crop at regular interval is called irrigation. और जब हम regular interval में crops को पानी supply करते हैं तो उसको हम irrigation कहते हैं। द टाइम एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज़ फ्राम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड द सीज़न टू सीज़न। पानी कितनी अमाउंट में देना है ये वेरी करता है, फसल पर डिपेंड करता है, मिट्टी पर डिपेंड करता है और सीज़न पर डिपेंड करता है। जैसे हमें ठंडियों के दिन में पौधों को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठंडी में जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनको वाटर की कम रिक्वायरमेंट होती है, और जो गर्मी में क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनको वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। गर्मियों के दिन में हमें पानी ज़्यादा देना पड़ता है। वाई इज़ इट सो? कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉयल एंड लीव्स। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी से जो है पानी वाटर जो है इवेपोरेशन के द्वारा उड़ जाता है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ इरीगेशन। अब हम किस किस सोर्स से इरीगेशन कर सकते हैं? द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड डैम्स एंड कैनल्स। ये सारे सोर्सेज हैं वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, रिवर, डैम्स एंड कैनल्स, जो कि इरीगेशन के लिए इनसे हम पानी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें टॉपिक पढ़ना है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन। तो पुराने टाइम्स के जो मेथड है इरीगेशन के, उसको हमें इस टॉपिक में देखना है। The water available in wells, lakes and canal is lifted up by different method in different region for taking in to the fields. पुराने ज़माने में जो canal से हम पानी निकालते थे और खेतों को सप्लाई करते थे, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग मेथड से किया जाता था। कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दीज मैथड। इस मैथड में हम कैटल का या ह्यूमन लेबर का, या जानवरों का इस्तेमाल करते थे या ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करते थे, ताकि हम वाटर को खेतों तक सप्लाई कर पाए। सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस इफिशियंट। ये मेथड बहुत ही सस्ते थे पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, पुराने ज़माने के जो तरीके हैं जिससे कि हम पौधों को पानी दिया करते थे, वो है मोट, जिसमें पुले सिस्टम होता था, और सेकेंड है चैन पम्प। आप यहाँ पे देख सकते हो मोट। मोट क्या होता है? तो ये जो वेल है इनसे पानी निकालने के लिए क्या होता था, एक रस्सी लगा हुआ है और यहाँ पे बकेट है जिससे पानी क्या है यहाँ पे गिराया जा रहा है, और ये नाली की तरह सिस्टम बना होता है ड्रेन सिस्टम में, जिससे खेतों तक पानी पहुँच जाता है। फिर ये नेक्स्ट सिस्टम है
चैन पंप है जिसमें यहाँ पे चैन लगा हुआ है, ये राउंड एंड राउंड घूमता है और ये जो बाल्टी का बकेट का पानी है वो इसमें गिरता है और खेतों तक पहुँच जाता है। नेक्स्ट सिस्टम है ढेकली। ढेकली में क्या है, यहाँ पे पत्थर लगे हुए हैं रस्सी से बंधा हुआ है और बाल्टी इसमें लगी हुई है। इससे आपको क्या करना होता है, पानी निकाल के और खेतों पे डालना होता है और ये इसमें बाउंड्रीज बनी है, ये पूरे खेत फील्ड तक सप्लाई हो जाता है, तो इसको हम ढेकली बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है ढेकली एंड फोर्थ है राहत। राहत क्या होता है, इसको लेवर सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें जो है क्या करते हैं हम, एक ये बहुत सारी इसमें बकेट्स लगी होती हैं और यहाँ पे जो है ऑक्स के थ्रू इसको इस लेवर को घुमाया जाता है, तो ये बाल्टी जो है अपने आप पानी भरता है और फील्ड तक सप्लाई किया जाता है। तो पम्प्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर्स। अब आज के डेट में हम पम्प्स का इस्तेमाल करते हैं पानी को लिफ्ट करने के लिए। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज़ यूज्ड टू रन दीज पम्प्स। और इन पम्प को चलाने के लिए हम बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या डीजल का इस्तेमाल करते हैं, सोलर एनर्जी का इन पम्प को चलाने के लिए। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब नए टेक्निक्स हैं जिससे कि हम इरिगेशन करते हैं, तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू वाटर इकोनॉमिकली। इस मेथड से हम जो है आसानी से पानी को फील्ड तक सप्लाई कर पाएंगे। द मेन मेथड यूज आर एज फॉलोज। फर्स्ट है स्प्रिंकल सिस्टम, तो इसको स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे वेल है, वेल के ऊपर मोटर लगा हुआ है और पाइप, कई सारी पाइप एक दूसरे से कनेक्टेड है और सब जगह पे यहाँ पे स्प्रिंकल्स लगे हुए हैं। इसको नॉब, जब यहाँ से हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो पाइप के थ्रू पानी जाता है और यहाँ पे एक नॉब लगी होती है जिससे कि चारों डायरेक्शन में पानी जो है अपने आप शावर होने लग जाता है, तो इसको स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं। तो इसको देखते हैं हम। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। ऐसी जगह जहाँ की पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है वहाँ पे हम इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पाइप लगी हुई है जिससे कि रेगुलर इंटरवल में बराबर दूरी पे अदर पाइप भी लगी हुई है इससे, जो कि मेन पाइप से कनेक्टेड है, और इसमें इसके ऊपर एक नोज़ल लगा हुआ है, रोटेटिंग नोज़ल है, जो कि अपने आप क्या होता है घूमता है, इसको जब आप खोलोगे तो इससे पानी निकलेगा। नेक्स्ट है व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पम्प, इट केम फ्रॉम द रोटेटिंग नोज़ल, इट गेट्स स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज़ रेनिंग। जब हम पम्प के थ्रू इसको पानी को स्टार्ट करते हैं तो पूरे फील्ड में पानी जो है एक स्प्रिंकल बौछारी की तरह फैल जाता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन, कॉफ़ी प्लांटेशन टू सेवरल अदर क्रॉप्स। स्प्रिंकलर का जो है इस्तेमाल लॉन्स में या कॉफ़ी प्लांटेशन में यूज़ किया जाता है और दूसरी जगह भी इनका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, इन दिस सिस्टम द वाटरफॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे वेल पे एक मोटर लगा हुआ है और एक मेन पाइप कनेक्टेड है जिससे कि और छोटी छोटी पाइप जो हैं यहाँ पे कनेक्टेड है और इसमें ये प्लांट्स की रूट तक जाती हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें इनको पानी सप्लाई करती है, इसीलिए इसको ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट्स गार्डन एंड ट्रीज़। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है हम पौधों को या फलों को या बगीचों में पानी देना होता है पेड़ों को, तो इससे हम आसानी से दे सकते हैं। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें पानी का बर्बादी नहीं होती है। इट इज़ अ बून इन द रीज़न वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। अगर जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर हम ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक तोहफे की तरह है। थैंक यू।